युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 9 फरवरी 2020 दिन रविवार, माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:02 तक रहेगी और उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल शाम 4:56 से लेकर शाम 6:23 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आज आपके भाई बहनों की तरफ से आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है और उनसे आपके संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी तालमेल भी बढ़ेगा। प्रिय भक्तगणों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। परंतु लव लाइफ के मामले में आज आपके पार्टनर के साथ आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है और छोटी से छोटी बात पर आपकी उनके साथ कलह हो सकती है, इसलिए आज आपको अपनी जुबान पर काबू रखने की जरूरत है और आज आप संयम से काम लें। आज आप कौवे को दाना डालें, इससे शनि देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आज यदि आप पीले वस्त्र या बूंदी के लड्डू दान करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। कन्या राशि वालों, अगर आपकी अपनी कार नहीं है और आप जल्द से जल्द अपने सपनों की कार खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह चमत्कारी उपाय जिसे करके किसी भी राशि का जातक अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। आज आप प्रातः काल उठकर पवित्र होकर भगवान की उपासना करें। आपको आज उपासना करते हुए इस मंत्र का जप करना है।
ओम नमो उल्लूक राजाय लक्ष्मी वाहनाय दुर्भाग्य नाशनाय मम सौभाग्य वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा। मैं आप सभी के लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूँ। ओम नमो उल्लूक राजाय लक्ष्मी वाहनाय दुर्भाग्य नाशनाय मम सौभाग्य वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाएगा और आपको अपने सभी एफर्ट्स का रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। मनोज कुमार पांडे। कहाँ रहते हैं आप? मैं वेस्ट की दुबई नगर सरोजी नगर। कहाँ? नई दिल्ली में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? मैं पटना बिहार से। आप गुरु माँ रुक्मणी से मिलने कब आए थे? लगभग 3 महीने पहले। आपको क्या परेशानी थी जो आपको गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आना पड़ा? मेरी घरेलू समस्या थी और बहुत हमारे काम धंधे चौपट हो चुके थे, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। तो आप कितने दिन पहले गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आए थे? लगभग 3 महीने पहले। तो उन्होंने आपको क्या उपाय बताया? हमारे को कुछ अंगूठियों के बारे में बताया और पूजा पाठ करने का सजेशन दिया और उनके मार्गदर्शन पर चले अंगूठियां धारण किया। कौन सी अंगूठियां दिखाइए? ये हमारे पेट। तो ये अंगूठियां गुरु माँ रुक्मणी जी ने आपको प्रदान की थी। तो कितने दिन आपने अंगूठियां पहनी है कुल मिला के? लगभग 2 महीने। तो 2 महीने पहनने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? हमें बहुत फायदा हुआ। आप जो परिवार से दूर थे और हमारे काम धंधा में वो बरकत नहीं हो रही थी। परिवार से दूर होने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रह रहे थे? जी हाँ। आपकी पत्नी रूठ कर चली गई थी? जी हाँ। तो अब आपकी पत्नी कहाँ है? अभी हमारे साथ है, बच्चों के साथ। अच्छा, आपके पास वापस आ चुकी हैं। और आपका काम धंधा? काम धंधा भी सुचारू रूप से चलने लग रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको 2 महीने ये अंगूठियां पहनने के बाद आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी परेशानी थी, वो पूरी हो गई हो रही है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी है, कोई दुख परेशानी है, उन्हें गुरु माँ रुक्मणी जी से आकर के मिलें और अपने दुख दर्द को बताएं और उस उनके कहे रास्ते पे चलें। चलिए, जय शनिदेव। जय। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।